तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा समूह की। टाटा समूह एक प्राइवेट कंपनी है। टाटा, ये नाम घर की रसोई से लेकर आसमान में सफर तक हर जगह दिख जाएगा। नमक मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफ़र, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला है। आप सोच रहे होंगे कि यह कंपनी भारत के अलावा और किन देशों में अपना व्यापार करती है, तो आपको बता दें कि टाटा ग्रुप 6 महाद्वीपों के 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय है। टाटा समूह दुनिया के 140 से भी अधिक देशों को उत्पाद व सेवाएं निर्यात करता है। इसके करीब 65% भाग पर टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट का मालिकाना हक है। रतन टाटा टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रतन टाटा के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि रतन टाटा अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान कर देते हैं। टाटा समूह ने कोरोना से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का दान किया था, जो भारतीय बिजनेस घरानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा दान था। टाटा समूह ने एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस और टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया हुआ है। भारत की बात करें तो इस ग्रुप में टाटा स्टील जो जमशेदपुर में है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी, टाटा ऑयल मिल, टाटा एयरलाइंस, टाटा केमिकल्स, टेलको, टाटा मोटर्स आदि। इतना ही नहीं, बहुत से सरकारी संस्थानों व कंपनियों की शुरुआत टाटा द्वारा ही की गई, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ तक कि भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया का जन्म भी टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ था। इसके अलावा टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर पुणे और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स भी ऐसे संस्थान हैं जिनका श्रेय टाटा ग्रुप को ही दिया जाना चाहिए। टाटा का नाम चाय में टाटा टी, घड़ियों में टाइटन से जुड़ा है। टाटा स्काई भी अपने क्षेत्र के ऐसे नाम हैं जो टाटा समूह का ही हिस्सा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं जो टाटा का हिस्सा है, जैसे टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम, टाटा इन्फोटेक, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा नेट आदि। टाटा समूह के नाम से जाने जाने वाले इस परिवार का हर सदस्य इन मूल्यों का अनुसरण करता है। भारत के शिक्षा, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में टाटा का योगदान अति महत्वपूर्ण है और लगभग हर भारतीय इस बात का सम्मान करता है। टाटा का नीले रंग का लोगो निरंतर प्रवाह की ओर इशारा करता है।